क्योंकि बस आने वाला था लेकिन बस का टाइमिंग जो था वो हो चुका है, बट बहुत लेट हो रहा है और हम लोगों को जल्द से जल्द जाना है अपने रूम पे जहाँ पर हम लोग का एकोमोडेशन मिला है। चल रहे हम लोग बाद बैठ रहे 10-12 साल बाद गाँव में, जब ना काम हो रहा था तब एक बार बैठे थे। ताला मार के अंदर लोगे फिर भी ताला मार के। कब से प्रॉब्लम आ रहा है पेट्रोल में? कल से। इससे पहले आपने बनाया था, मतलब अप्लाई किया कभी? ये जो बंदा है ये भी ड्रोन वाले इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट इसके ड्रोन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो ये अभी हेल्प मांगने के लिए ऊपर आए हुए थे। तो अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और अभी इनका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंगल वायर आपने जो लगाया है वो सपोर्ट नहीं करता। आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो 3 वायर लगा हुआ है इससे रिसीवर को पावर मिल रहा है, बाकी का यहाँ से आपको 4 केबल और लगाना पड़ेगा, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 और चैनल 5 जो मोड्स के लिए काम करेगा तभी वो काम करेगा। प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस वाले ड्रोन में मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। बच गया हम बच गए। का उतना उतो तुम्हारा सड़ गया था इसी। तो ये हमारे ऑटो वाले भैया है जो हम लोगों को मेन इवेंट के अरीना तक पहुंचाएंगे। अरे मेरे लिए भी जगह छोड़ो। अरीना के हम लोग बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं और अभी जा करके देखते हैं कितना बंदा आया है, कितना टीम है। पार्टिसिपेट तो सिर्फ हम इसलिए कर रहे ताकि हम दिखला पाए कि किस तरीके से वो टास्क को पूरा करें। सब कवर करेंगे। नहीं ऑब्वियसली आपको जैसे लगे आप पूरा ब्लॉग बनाने के उसमें हैं। ये अभी शुरू होने वाला है बहुत जल्द। स्कूल टीम्स ऑलरेडी, हाँ स्कूल के बच्चे हैं तभी इसको रोबो रेस बोलते हैं। जो मेन हमारा डेथ रेस होता है वो डेथ रेस था। अच्छा सर एक चीज आप बताइए कि ये जो इवेंट हो रहा है मतलब ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है हमारा? एक मिनट, क्या करवाने का मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है रोबोटिक्स का? एक्चुअली सेलेस्टा का लास्ट जो हुआ था, एक बार इधर घूम करके बोलिए ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड कर पाएंगे। हाँ तो सेलेस्टा जैसे जो हम जाते हैं हमारा टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है 2019 में हुआ था, लास्ट ऑफलाइन हुआ था, फिर कोविड स्ट्रक की वजह से 2-3 साल नहीं हो पाया। टेक्नो मैनेजमेंट में क्या होता है? रोबोटिक्स चीजें और फिर बाकी टेक्निकल चीजें। नहीं एक्चुअल में ये जो आप करवा रहे हैं ये किस चीज के लिए है? मतलब अगर ये करवा रहे हैं तो इससे लोगों को क्या फायदा मिल रहा है, आप क्यों हो रहा है ये चीज मैं पूछ रहा हूँ। बेनिफिट्स यही होंगे कि रोबोट्स के, अब देखिए रोबोट्स ऐसी चीज है ना जो आज की डेट में लोग बनाना पसंद। जी सर। कुछ लोग का क्या रहता है कि थोड़ा सा घबराते हैं कि यार रोबोट बनाना उनको लगता है काफी मुश्किल है वगैरह वगैरह और चीजें आती हैं। अभी कुछ लोग के लिए थोड़ा चीजें तो जागरूकता पकड़ लीजिए। हाँ मतलब ये जो आप लोग बेसिकली इस इवेंट को इसलिए करवा रहे हो ताकि स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट आए रोबोटिक्स में। हाँ रोबोटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, कैसे इवेंट होता है, क्या होता है, जो भी लोगों के अंदर टैलेंट छुपा है वो बाहर निकले। और ये चीज आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हर जगह पे स्कूल वाला इवेंट नहीं होता है, हर जगह पे ज्यादातर कॉलेज वाला होता है। कॉलेज और स्कूल को अलग कर दे क्योंकि वो कॉम्पिटिटर जो होता है बहुत टफ हो जाता है स्कूल वाला। ये बोला बोल रहा है भाई मुझे भी फ्लाई करो, मुझे यहाँ पर साइड में क्यों अकेला छोड़ दिए हो? उधर मत कर भाई, उधर ऑडियंस है, इधर करो ना तुम फ्लाई करना है तो। अरे यार क्या कर, मत करना ठीक है, हम बता दे रहे हैं ऑडियंस की तरफ फ्लाई करेगा ही नहीं। अभी सर को देखने दीजिए ना, सर को देखने दीजिए ना। देखिए सर, तो पार्टिसिपेंट्स कम से कम थे तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग कहीं से भी जुगाड़ करके लाइए। तो अभी एक बंदा आया हुआ है और अभी इनका ड्रोन फ्लाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग कुछ ना कुछ करके इनका ड्रोन फ्लाई करेंगे और देखते फिर पार्टिसिपेट करेंगे। एक काम करो ना, टाइम बहुत लगेगा, आपके पास क्या क्या है लगाइए, 1-2 मिनट का खेला है, काम खत्म हो जाएगा। और कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट का टाइम, 10 मिनट पूरा हुआ भाई, 15 मिनट हो गया है।
और ये थ्रॉटल कभी भी जब नीचे ड्रोन आएगा नीचे करना है तो बहुत स्पीड में नहीं करना, एकदम बिल्कुल आराम से, वरना तुरंत आकर के वो स्पीड मतलब इधर कर दे बचने के लिए, नहीं बहुत ज्यादा चल जाए, हल्का सा स्लाइड क्रैश कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। गौसल कंट्रोल करो, गौसल 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 कंट्रोल। अरे तुमको कंट्रोल करना चाहिए था उसके लेके, थ्रॉटल दिया हम कंट्रोल किए भाई, बाद में उससे रेडियो लेके, तब तक तो मजा आ रहा है क्या, मुझे सुनाई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अब आएगा अब, क्यों, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग आवर मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट ड्रोन दसल। इस जगह पे आने का हमारा जो मेन रीजन था वो ये था ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग कैसे इवेंट में आ सकते हो। सो अभी हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, हमारी टीम्स मतलब जो भी ड्रोन में पार्टिसिपेट किया बहुत सारे, बहुत कम बंदे के आप, मतलब हम लोग दो ही हैं, हमारा दो ड्रोन है, यही दोनों ड्रोन पार्टिसिपेट करे। सो अभी जो है दो कंट्रोलर है अपने पास, सो हम लोग बिना देरी किए इवेंट को स्टार्ट करते हैं। मैं बता देता हूँ कि इवेंट कैसे होगा। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आप देख सकते हो स्टार्ट, और यहीं से हमें शुरू हो जाना है अपने लंबे से सफर के लिए। सो ये जो आप देख रहे हो इन सभी से क्रॉस करते हुए हमें जितना भी हर्डल्स है सभी को क्रॉस करते हुए आना है इस वाले फिनिश लाइन में, और यहाँ पे आने के बाद हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है। तो गौसल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी है, और अभी अभी बस इवेंट स्टार्ट होगा। फास्ट एक एक मिनट नहीं भाई। गाइस अभी बहुत सारे बंदे आ चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये फाइनल है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे बंदे इधर हैं, और ये हमारा एरिना था, उधर को रोबो वॉर चल रहा है दोस्तों। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, एंड यहाँ पे है गौसल, एंड यहाँ पे ड्रोन फ्लाई हो रहा था। दोस्तों अभी रोबो वॉर के एरिना पे, और यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और अब मेरे को वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो मैं वीडियो ये भी आप जान ले, क्योंकि हम लोग बहुत देर से ऑटो का वेट कर रहे थे, और अभी एक भैया आ रहे थे, मतलब कि हम लोग नसीब खुली है। ये है वो भैया मेरा भाई है, और वहाँ मेरा साइकिल है, और यहाँ सवारी चल रही है, और यहाँ सवारी चल रही है। फुल मौज गाइस, फुल मौज। ओहो क्या ठंडी ठंडी हवा है, आपको टेम्पो जाने में पूरा मजा आ रहा है ना, ठंडा लग रहा है, ठंडा है तो लगेगा।